आप देख सकते हैं जैसा ये डिजाइन है, आज हम आपको ये डिजाइन बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो आज हम आपको बताएंगे कि जो आपने वो पीछे डिजाइन देखा है वो डिजाइन मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। देखो मैंने ये कट कर लिया आस्तीन अपने साइज़ की जितनी भी हमें चाहिए, और बीच में एक कट लगा लिया है। और ये जो हमारी टेटरोन है, जो हमारी वैसी एक्स्ट्रा है, हमारे गले की कटिंग है ये। अब इसमें से हम अपने हिसाब से जितने इंच का भी हम डिजाइन बनाना चाहे उसमें गोल, बिल्कुल गोल एक देखो इस तरह से हमें निशान लगाना है इसमें, इस तरह से राउंड करके, और इसको हल्का सा यहाँ से बिल्कुल शेप में गोल कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल गोल, और यहाँ से बिल्कुल सीधा। तो हमारी ये नीचे की साइड और ऊपर की साइड बिल्कुल सीधी है, और ये इधर से हमारी हल्की सी गोलाई में है, और अच्छे से इसकी शेप बनानी है। और इस तरह से इसे आप रख के देख सकते हैं कि हमारा ये साइज़ ठीक आ रहा है। वो जो हमारा बीच का कट है हमारे आस्तीन का, वहाँ से हमें ये देखना है। देखो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसे में से ये बीच में से कट कर लेते हैं इसे। अब इसके हमारे दो टुकड़े हो जाएंगे, और जो बीच का हमारा जॉइंट था, अब हम इसी कपड़े में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रेड कलर का ही कपड़ा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे पाइपिंग उस कपड़े की लगानी है जिसकी हमारी शलवार है, और ये हम सेम ही कपड़ा इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब ये जो कपड़ा है हमारा, इसको हम फोल्ड करेंगे, और इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें जो हमने ये पैटर्न बुकरम का टैटरून का जो पैटर्न काटा है वो हम इस पर रख के और निशान लगाकर उसी बिल्कुल वही आकार जो इसमें हमने जो शेविंग दी थी गोल वाली, उसी तरह से हमें इसकी कट कर लेना है अच्छे से डबल करके। अभी हमने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, जो बुकरम के हैं टैटरून के दो पीस हैं हमारे, और कपड़े के हमने चार पीस काटे हैं, उनमें हमें चार पीस की ज़रूरत है। पहले हम कपड़े के ऊपर इसको लगाएंगे, और कपड़े के ऊपर लगाकर हम इसको ऐसे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, उसे कपड़े के ऊपर जो है हम बुकरम को चिपका लेंगे इस तरह से। और ये हमारे जो है दोनों अच्छे से चिपक गए हैं इसके ऊपर। और अब हम जो है जो दूसरा कपड़ा है ये इस तरह से हम दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रख के और उसको भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब ये वाला कपड़ा हम इसके ऊपर रख के, ताकि हमारी जो बुकरम है वो अंदर की साइड चली जाए, और हमें ये पलटना नहीं है, ऐसे ही कच्ची सिलाई लगानी है, बस बुकरम बीच में लगानी है। हो सकता है अगर आप चाहो तो पेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये ऐसे ही टैटरोन लगाई है। अब हम इसे बंद कर लेते हैं, देखो इस तरह से। अब हमारे दोनों पीस हैं ये, दोनों पीस बंद हो चुके हैं, और जो हमारे टैटरोन है वो इनके अंदर है इस तरह से। अब कट कर लेना है। अब दोनों को बिल्कुल अच्छे से इनकी शेप देनी है, जो फालतू का कपड़ा है एक्स्ट्रा वो हमें सब कटिंग कर लेना है अच्छे से। सफाई करने के बाद अब हम इसे, आप देख सकते हैं ये हमने जो है आड़ी पाइपिंग निकाल ली है, आड़ा कपड़ा काट कटिंग किया है, और इससे हम सिंगल सिंगल ही हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे, डबल नहीं लगानी, सिंगल कपड़ा है और सिंगल कपड़े से ही हम इसको इस नोक से लगाएंगे गोल की साइड से, इस साइड से हम इसको लगाएंगे, और इस तरह से हल्का हल्का सीधा उतार देंगे, और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे दूसरी साइड उल्टी तरफ। ये हम हल्के कुट के लगाकर उल्टी तरफ इसको पलटेंगे अच्छे से इस तरह से, और इसको इस तरह से हम पलट कर अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे नीचे की साइड, और बिल्कुल एक सार सिलाई हम इसको लगा लेंगे। सिलाई हमें इस कपड़े पे नहीं लगानी जो हमारा पाइपिंग वाला है, मैं रेड कलर के कपड़े पे ही सिलाई लगानी, रेड कलर के धागे से इसकी बराबर बराबर लगानी है बिल्कुल। दूसरे पे भी हम इसी तरह लगाएंगे
दोनों में इसी तरह से हमें लगानी है। आप देख सकते हैं एक हमारा पीस तैयार है और दूसरे की हम देखो तैयारी कर रहे हैं। इसको भी हमें अच्छे से ऐसी शेप देनी है और इस पर भी हल्के से कुटके लगा कर हमें इसे भी इसी तरह मोड़ना है। अब जो है ये हम आप देख सकते हैं ये हमारा जो कपड़ा है। अब जो हमने बाजू का कटिंग रखी है जो हमारी बाजू है वो उस बाजू पे हमें ये लगानी है। ये इस तरह से ये सीधा कपड़ा है और सीधे के ऊपर हमें इसे सीधा ही रखना है। और ये भी ये इसके सामने बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल इसी तरह से लगाने हैं। अब हमें सिलाई जो है नीचे की साइड से सिलाई शुरू करनी है ऐसी कच्ची बिल्कुल रख के। ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, कपड़ा कोई सा भी नहीं खींचना, हल्के से हाथ से बिल्कुल सीधी इस तरह से बिल्कुल हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल सीधी और ये इसके बिल्कुल सामने पे हमें लगानी है। इनकी जो नोक है दोनों एकदम आपस में टच करते हुए बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, मिला के लगाना है बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसको पहले इसी को घुमा लेते हैं एक पीस को। वो वाली साइड हमने नाप के देख लिया बिल्कुल सही आ रही है और अब हम इसको बिल्कुल सीधा पाइपिंग के बराबर बराबर में नीचे उतार देंगे। पाइपिंग के ऊपर हम सिलाई नहीं चढ़ाएंगे, बिल्कुल उसके नीचे के साइड में सिलाई रखेंगे और बिल्कुल सीधे उतार देंगे। और इस तरह से भी हम दूसरी साइड से भी बिल्कुल नीचे उतार देंगे। अब ये हमारा अच्छे से इस पर चिपक चुका है बिल्कुल, देखो अच्छी तरीके से हमने इस पर चिपका लिया है। अब ये चीज़ जो है ये दूसरे वाला जो पीस है ये भी हम इसी के सामने रख के चिपका लेते हैं इस तरह से। आप चाहे एक ही सिलाई में दोनों को चिपका लीजिए बिल्कुल सीधा करके एक ही सिलाई में दोनों को चिपका लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरह से बिल्कुल। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इसमें भी और ये भी हमें पाइपिंग जो है हमारी ये भी पाइपिंग की बिल्कुल नीचे नीचे इसमें भी हमें इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड से शुरू करेंगे और ऊपर की साइड को इस तरह लेकर आएंगे ऐसे। और अब हम इसे इस तरह से घुमा के पाइपिंग पे नीचे लगानी सिलाई, उसके बिल्कुल बराबर बराबर में लगानी है। ये इस तरह से हमें इसको बिल्कुल सीधा नीचे उतार देनी है। अभी हमारे दोनों पीस लग चुके हैं, ये इस तरह से ये दोनों हमारे लग चुके हैं। अब हमें इसमें जो हमारा मार्जिन थोड़ा हल्का भारी है वो हमें इसमें साफ़ कर लेना है बिल्कुल अच्छे से और अच्छे से इसकी हमें सफाई करनी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सब काट देना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा, अब हम इसे आस्तीन को आप देख सकते हैं ये हमने आस्तीन में आगे की तरफ पाइपिंग लगाई है उसी कपड़े की। वो कपड़ा हमने उरेब नहीं काटा, वो सीधा काटा है और पाइपिंग हमने नीचे की साइड रखी है और आस्तीन उल्टी उस पर रखी है। और अब हम इसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे क्योंकि जो हमने वो पीस पे पाइपिंग लगाई वो उरेब लगाई है और जो आगे की पट्टी पे लगाई है वो बिल्कुल सीधी पाइपिंग लगाई है इस तरह से। दोनों का सेम ही होना चाहिए बिल्कुल, जो साइज़ है हमारा वो बिल्कुल सेम हो दोनों का, तभी इसमें अच्छा लुक आएगा। जो आगे की पाइपिंग है और जो हमारी ऊपर वाली पाइपिंग है सेम होनी चाहिए। अब हम इसे जितनी हमारे आगे की मोहरी होती है आस्तीन की, किसी की 5 होती है मतलब 10 होती है राउंड में तो 5 का लगाते हैं। अपना जितनी भी अपनी आस्तीन हो उतने निशान लगाना है, वो निशान लगा के हमें यहाँ से पक्का करके चलना है और हमें अपने आस्तीन बंद कर लेनी है ये इस तरह से। ये इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, वही जो हमारे आस्तीन की सेफ होती है। और ये हमें सीधी ऊपर उतार देने हैं ये इस तरह से। अब ये हमारी जो है डिजाइन वाली आस्तीन बन चुकी है।
ये आप देख सकते हैं, हम इसको नीचे की साइड से आपको दिखाएंगे पलट कर। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सही ये हमारा जो डिज़ाइन है तैयार है, और कितना आसान है और कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। ये नीचे की जॉइंट है इसका, और मैं अब आपको दिखाती हूँ ये हमारा ऊपर की साइड आएगा। ये दोनों साइड हमारे बराबर हैं आप देख सकते हैं। ये हमारा कितना खूबसूरत आया है देखो, ये हमारी आस्तीन बनकर तैयार है। आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर पे बना सकते हो ये आस्तीन बहुत ही अच्छे से पाइपिंग निकाल कर। और अब मैंने लिया है धागा, और जो घर में एक्स्ट्रा ही होते हैं हमारे घर में पड़े हुए जो वो होते हैं बटन, वो वाले बटन हम लगाएंगे कपड़ा उसमें कपड़े पे लपेट के, जो मुड के कपड़ा लगाते हैं उसमें वही वाला हमें इसमें कपड़ा लगा कर हमें बनाना है। अब आप देख सकते हैं ये वाला मैं कपड़ा लगाऊंगी इसमें, और ये मैं घर में ही तैयार करूंगी ये इस तरह से। आप भी कोई भी कपड़ा कोई भी साइज कितना भी बड़ा बटन आप चाहो उतना ही बड़ा बटन आप लगा सकते हैं। सुई में धागा डालो और इस तरह से इसको एक बार निकालो गिट्ठा लगा के, एक दो बार इस तरह पक्का कर लो, और फिर इसको इस तरह से राउंड करके घुमा दो, तो ये हमारा बटन घर में ही तैयार हो जाएगा इस तरह से। और करने के बाद इसे अच्छे से नीचे से इसकी कटिंग कर लो, और सारा कपड़ा इसका इतना अच्छे से काट लो कि ये उठा भी ना रहे, और जो है इतना भी ना हो कि हमारा बटन इसमें से निकल जाए। और फिर ये जो है दोनों साइड आप पहले चौक के निशान लगाओ आमने सामने, एक इधर ये इस तरह से, और आप इसी पर ही इस बटन को पक्का करके लगा लीजिए इस तरह से। ये बटन हम इस पर ही इस तरह से, ये दोनों साइड हमें इसी तरह बटन लगाने हैं। और अब ये हमारी जो है आस्तीन बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर बनाए और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अल्लाह हाफिज़। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी आस्तीन आई है।